हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विडोसी गाइस। तो आज थंबनेल आप लोगों ने देख लिया, वीजी और पीजी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आज जिन लोगों ने ये सवालात किए थे, जो कमेंट्स उनके मैं ऐड कर दूंगा इस वीडियो में, आप लोग भी अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं पोर्ट के वाले से, वेब के वाले से या फ्लेवर के वाले से, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं वीडियो के एंड पे। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और चेक करते हैं वीजी और पीजी में डिफरेंस। पीजी क्या होता है जी? पीजी होता है जी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये एक थिन सब्सटेंस होता है, लाइक कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है और टेस्टलेस सब्सटेंस होता है। लेकिन वेव वगैरह वेव प्रोडक्ट्स में इसलिए यूज़ किया जाता है इसको, क्योंकि ये जो फ्लेवर है इसको काफ़ी अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है ये। लाइक फ्लेवर लेने के लिए पीजी ही यूज़ किया जाता है। तो पीजी में निकोटीन और फ्लेवर होता है, जो आपको इसके फ्लेवर्स में निकोटीन या फ्लेवर आ रहा होता है वो पीजी की वजह से ही आ रहा होता है। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का और क्या काम होता है? और कोई काम ही होता है इसका, सिर्फ फ्लेवर और निकोटीन को एब्जॉर्ब करता है फ्लेवर के अंदर, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है फ्लेवर के अंदर। अब वीजी के बारे में बात कर लेते हैं। वीजी होता है जी वेजिटेबल ग्लिसरीन, जो कि आप रोज़मर्रा के प्रोडक्ट में भी यूज़ कर लेते हैं, लाइक करते होंगे, कि स्किन के प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। इन्फ्लेमेशन जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और वेव प्रोडक्ट में अगर आप कहें कि क्यों यूज़ होता है, तो वेव प्रोडक्ट में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि स्मोक थिक देता है। ये थिक स्मोक के लिए वेजिटेबल ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है फ्लेवर्स के अंदर, ताकि आपको जो है वो थिक स्मोक आए। ज़्यादातर ये वेव्स में यूज़ होता है, पॉड्स में यूज़ नहीं होता है। और अगर पीजी की बात कर लें तो पीजी का इतना ज़्यादा स्मोक नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लिसरीन, वेजिटेबल ग्लिसरीन। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इतना स्मोक नहीं होता है, जिसकी वजह से वीजी इसमें मिक्स किया जाता है। तो वेव्स के फ्लेवर में जो आपको फ्लेवर आता है वो पीजी की वजह से आता है, और जो आपको स्मोक आता है वो वीजी की वजह से आता है। अगर 100% पीजी यूज़ करेंगे या 100% वीजी यूज़ करेंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा, जिसकी वजह से इसको मिक्सेशन इसकी की जाती है, कुछ परसेंटेज रखी जाती है और उसके बाद इसको वेव के फ्लेवर में ऐड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज वीजी का होना चाहिए और कितना परसेंटेज जो है वो पीजी का होना चाहिए। तो कुछ लोग जो है वो 100% वीजी यूज़ करते हैं। वो 100% वीजी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको जो है वो एलर्जी रिएक्शन हो जाता है पीजी से, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से, जिसकी वजह से वो 100% जो है वीजी यूज़ करते हैं। आज के दौर में 100% वीजी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वीजी का वो थोड़ा सा स्वीट होता है, लाइक मीठा टेस्ट होता है उसका। तो ज़्यादातर लोग इसको नहीं यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में भी आपको किसी भी ब्रांड में 100% वीजी नहीं मिलेगा। पहले जब नए जूल्स आए थे या पोर्स न्यू आए थे पाकिस्तान में, इंट्रोड्यूस हुए थे, उस वक्त मिलता था, अब नहीं मिलता है, क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट होता है उसको। इसमें जो है आपको थ्रोट हिट भी नहीं मिलती है, उसके बाद आपको जो है इसमें फ्लेवर, क्योंकि पीजी नहीं है तो फ्लेवर भी आप में इसको जो है वो फेड होता है। लाइक इतना अगर आप फ्लेवर इसमें ऐड भी कर देंगे, क्योंकि मिक्सेबिलिटी जो है वो वीजी के साथ फ्लेवर की नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो है वो आप इसको सिर्फ स्मोक के लिए या क्लाउड चेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में वैसे मिलेगा भी नहीं आपको। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी 70-30%, लाइक 70% वीजी और 30% जो है वो पीजी की। तो अगर 30% पीजी की प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की है आपके फ्लेवर के अंदर, तो डेफिनेटली फिर फ्लेवर आपको आएगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं आएगा जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं। ज़्यादातर 70% वीजी और 30% पीजी जो है वो वेप्स फ्लेवर के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपको फ्री बेस फ्लेवर आ जाते हैं या 0 mg निकोटीन के साथ आप कह लें फ्लेवर आ जाते हैं। तो लोग ज़्यादातर, मैं भी पर्सनली 70% वीजी और 30% पीजी इस्तेमाल करता हूँ अपने वेप के लिए। इसमें क्या होता है, माइनस आपको टेस्ट आता है फ्लेवर का और आपको क्लाउड चेजिंग या स्मोक ज़्यादा आता है। तो 70% वीजी और 30% पीजी आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड चेजिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं 50-50% की। 50% वीजी और 50% पीजी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्ड के अंदर। ज़्यादातर ये पोर्ड के लिए यूज़ होता है, वेव के लिए नहीं यूज़ होता है, क्योंकि अगर 50% पीजी होगी आपके फ्लेवर के अंदर तो वो आपको जो है वो थ्रोट हिट देता है, जिसकी वजह से जो है वो आप इसको वेव्स में नहीं यूज़ कर सकते। ये ज़्यादातर यूज़ होता है निक सॉल्ट के लिए, लाइक अगर 50% प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है आपके सॉल्ट के अंदर, आपके फ्लेवर के अंदर, तो वो आपको हिट अच्छी देगा, फ्लेवर आपको देगा, टेस्ट देगा एक आपको, और स्मोक भी आपको जो है वो नॉर्मल देगा, स्मूथनेस होगी, हिट भी देगा और मज़े का फ्लेवर लगेगा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 20% वीजी की और 80% पीजी की। अब ये लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम लोगों को ना हिट चाहिए, वो जो लोग चाह रहे हैं ना हिट चाह रहे हैं, जी हिट नहीं हो रही है, हिट चाहिए हमें, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं 20% वीजी और 80% पीजी। अब 80% पीजी से क्या होता है कि आपको थ्रोट हिट बहुत ज़्यादा मिलती है, फ्लेवर जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा फ्लेवर आने लग जाता है आपको उसमें। जो लोग चाह रहे होते हैं कि यार हम लोगों को फ्लेवर नहीं आ रहा है, या पहली दूसरी वेव में फ्लेवर आया उसके बाद फ्लेवर नहीं आ रहा, तो वो लोग यूज़ करते हैं 80% पीजी, जिसके साथ आपको जो है वो फ्लेवर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास 100% पीजी
100% पीजी लोग इसलिए यूज करते हैं कि यार उनको जो है वो फिर ग्लिसरीन से जो इशू होता है, एलर्जी होती है, वो लोग चाहते हैं जी हमें सिर्फ हिट ही आए, हमें सिर्फ फ्लेवर ही आए, हमने ना स्मोक निकालना है ना ज्यादा जो है हमें क्लाउड चेजिंग की जरूरत है, तो वो लोग जो है वो पीजी यूज करते हैं 100%। आज के दौर में 100% पीजी और वीजी मैंने आपको बताया दोनों ही 100% आपको नहीं मिलते हैं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आप खुद अगर बनाना चाह रहे हैं आप खुद भी बना सकते हैं। पीजी भी आपको अलग से मिल जाता है, वीजी भी आपको अलग से मिल जाता है, फ्लेवर भी आपको अलग से मिल जाता है, जो मर्जी अपना फ्लेवर आप पसंद का जो भी आपका फ्लेवर है वो भी आप इसमें ऐड करके बना सकते हैं, परसेंटेज मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो 100% तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अब आपको परसेंटेज बता देता हूँ जो आप परसेंटेज यूज़ करेंगे वेप में और पोड में। तो वेप में नॉर्मली परसेंटेज यूज़ होती है 70 वीजी और 30 पीजी, या 75 वीजी और 35 जो है वो 25 जो है पीजी। तो ये यूज़ होता है वेप में। वेप में क्या होता है, क्योंकि अगर आप क्योंकि वेप को ना ज़्यादा इनहेल करते हैं आप, इसको आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट लंग्स में लेके जाते हैं उसको, स्मोक को क्लाउड चेजिंग के लिए होता है, तो उसमें पीजी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वीजी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन जो है वो स्मोक चेजिंग के लिए होता है, ग्लिसरीन में ज़्यादा यूज़ की जाती है। नॉर्मली जो आप परचेज करते हैं अपना फ्लेवर बाजार से, उसमें आप नोट कीजिएगा पीछे लिखा होगा कि 0 mg या फ्री बेस जो फ्लेवर होता है वो 70 PG के साथ 70 VG के साथ आता है, जिसमें सिर्फ 30% जो है वो पीजी होता है, या 25% पीजी होता है और 75% जो है वो वीजी होता है। तो ये था जी फ्लेवर आप यूज़ करेंगे जो कि क्लाउड चेजिंग के लिए वेप के अंदर। अब पोड में जो आप फ्लेवर यूज़ करेंगे वो होता है 50-50%, मतलब दोनों का मिक्सचर जो होता है वो हाफ ऑफ होता है। इसमें क्या होता है, आपको फ्लेवर भी बड़ा मज़े का आ रहा होता है, थ्रोट हिट भी आपको आती है, आइसी फ्लेवर भी आपको आता है, उसके बाद आपका जो क्लाउड है वो भी आपको मिल जाता है। तो 50-50% आप यूज़ करेंगे अपने पोड के अंदर और 70-30 यूज़ करेंगे या 75-25 यूज़ करेंगे आप अपने वेप के अंदर। तो गाइज ये थी आज की मेरी वीडियो वीजी और पीजी के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वीजी और पीजी में क्या डिफरेंस होता है, क्या परसेंटेज यूज़ करते हैं अपने पोड और वेप में, और किस तरह जो है वो क्लाउड ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह वीजी यूज़ करेंगे, और अगर आप फ्लेवर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली पीजी यूज़ करेंगे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं आप कमेंट करें, आप लोगों के ही कमेंट जो है वो उस पर वीडियोज़ बनेंगी आगे और आप लोगों के कमेंट शो भी करवा दूंगा अपनी वीडियो में। मुझे दे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अली वो तू इशारे करता ना वो। अच्छा जी, कई हमारे दोस्त हैं वो जिनको समझ नहीं आ रही होती ना, वो हमारे एक दोस्त हैं वो पहले तो देखते रहते हैं हमें कि यार ये लड़का समझा रहा है अभी दोस्तों को ना, तो उसके बाद जो है ना वो इशारे करना शुरू कर देते हैं। वो आप लोग भी शायद करते होंगे इशारे, वो होता है ना कि सर के ऊपर से गुजर जाती है, समझ नहीं लगती कि बंदा क्या बात कर रहा है। खैर, तो हमारे दोस्त जो है ना एक अली, वो इस तरह का शुगल करते हैं अगर हमारे साथ। वो एक दफा क्या हुआ, मैं ऑफिस में खड़ा था तो लड़के आपस में ना वो मैच की बात करते हैं कि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है मैच के अंदर। तो अली जो है वो मतलब खासतौर मुझे नहीं पता था, मेरा दोस्त जो है वो मुझे देख ही जा रहा काफ़ी देर से, तो काफ़ी देर से मुझे देख रहा था, और मैं ना जो लड़के बात करते जो दोस्त हमारे बात कर रहे थे मैच के बारे से, आपको पता पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आज भी मैच है, तो उसके बारे में वो बात कर रहे थे, और मैं उनको ना यूं करके बिल्कुल परेशानी से देख रहा था, तो अली जो है वो मुझे देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि अली मुझे देख रहा है। तो खैर, वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आया वो तो खैर, वो इसका मतलब ये होता है कि आपके सर से गुजर रही है बात, आपको समझ नहीं लग रही है, तो कुछ लोग होंगे, आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी कि इतना आसान समझा रहा हूँ यार, मतलब इससे आसानी से तो समझा नहीं सकता और